दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। भारत और न्यूजीलैंड 11 के बीच एकमात्र प्रैक्टिस मैच हैमिल्टन के शेडन पार्क के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस पूरे ही मुकाबले में टीम इंडिया का दबदबा रहा। एक तरफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने इस मुकाबले के दौरान बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 खतरनाक खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में शानदार परफॉर्मेंस किया। और अब यहां पर जो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, उस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की नाक में दम करने वाले हैं कौन है ये पांचों खिलाड़ी, वन बाय वन पांचों ही खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को बुरी तरह से हराए, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और फर्स्ट इनिंग में भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने 93 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली थी। वहीं दूसरी तरफ हनुमा विहारी ने इस मुकाबले के दौरान 182 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक जड़ा था, जिस दौरान 10 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के लगाए थे। और इन दोनों ही खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस के चलते टीम इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 78.5 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर मात्र 263 रन बनाए थे, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ी के अलावा पूरी टीम का पूरा बैटिंग ऑर्डर हमें यहां पर फ्लॉप नजर आया था। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम अपनी फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी करने उतरी, जहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बहुत ही रोमांचक परफॉर्मेंस किया। मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले के दौरान 10 ओवर डाले, जिनमें उन्होंने 5 ओवर मैदान निकाले, केवल 17 रन देकर 3 बड़े विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह ने भी इस मुकाबले के दौरान 2 विकेट निकाले थे। उमेश यादव, नवदीप सैनी को भी 2-2 विकेट मिले थे। रविचंद्रन अश्विन को एकमात्र केवल एक ही विकेट मिला था। और स्पिनर यहां पर हैमिल्टन के शेडन पार्क पर पूरी तरह से हमें यहां पर फ्लॉप नजर आए थे। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों ही गेंदबाजों को यहां पर विकेट नहीं मिले थे। हालांकि रविचंद्रन अश्विन को टीम का 10वां विकेट जरूर मिला, लेकिन वो एक गेंदबाज था। तो यहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय टीम की सेकंड इनिंग्स की, तो वहां पर मयंक अग्रवाल ने टीम इंडिया की तरफ से 81 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली। उसके बाद वो रिटायर्ड हट हो गए। और यहां पर ऋषभ पंत ने भी इनिंग के दौरान 70 रन की शानदार पारी खेली थी, जिस दौरान 4 चौके और 4 लंबे लंबे छक्के लगाए थे। और इस इनिंग के दौरान हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे। तो भैया ये है वो सभी हीरो जिन्होंने इस प्रैक्टिस टेस्ट में भारतीय टीम के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए यहां पर दिक्कतें भी बनने वाली है, क्योंकि इस प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान पृथ्वी शाह और शुभमन गिल ये दोनों खिलाड़ी दोनों ही इनिंग्स में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इससे कहीं ना कहीं भारतीय टीम की दिक्कतें बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के स्पिनर न्यूजीलैंड की इस पिच पर पूरी तरह से नाकामयाब नजर आए। पहला टेस्ट मुकाबला वेलिंगटन के मैदान पर 21 फरवरी से खेला जाना है। उम्मीद करते हैं वहां तक सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन सी टीम जीतेगी इस टेस्ट सीरीज को, भारत या फिर न्यूजीलैंड? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.